वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी गाइडेंस। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी। बेसिक्स ऑफ ग्रामर की सीरीज़ में हमने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव डिस्कस कर लिया है। आज हम वर्ब स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहले हम वर्ब के बेसिक के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद वर्ब एडवांस के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ब की एक बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि वर्ब कार्य के होने को दर्शाता है। वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एक्शन, ठीक है। इसको डूइंग वर्ड भी कहा जाता है, आपको पता हो, कोई पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड ब्रूटली ऑनेस्ट। अब वर्ब के टाइप्स क्या हैं, या तो वर्ब जो है मेन वर्ब होती है या वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब जो है के अंतर्गत हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, जो कि मेन वर्ब नहीं होंगी ऑब्वियसली। तो हेल्पिंग वर्ब में भी दो तरह के वर्ब्स होते हैं, जैसे एक मॉडल्स कहलाते हैं और एक कहलाते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो मॉडल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते, जैसे कैन, कुड, मे एट्सेट्रा, ठीक है। नोट, नीड, डेयर एवं यूज टू, ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। नीड एवं डेयर मॉडल एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। नीड और डेयर जो है ये वर्ड्स ऐसे हैं जो कि मॉडल के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं और मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। यूज टू जो है वो मॉडल के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है और एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये एक आपको पता होना चाहिए, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये वर्ड देख के आप सोचें कि ये मॉडल ही है, ये जो है मेन वर्ब भी हो सकता है नीड और डेयर, और यूज टू जो है एडजेक्टिव भी हो सकता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जैसे बी है, डू है, हैव है, ठीक है, ये जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं और मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स की डेफिनेशन क्या है कि वो वर्ब्स जो अन्य वर्ब्स के साथ यूज होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं, इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। अब इसमें जो टाइप्स हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनका यूज़ सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, ये जो हैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होते हैं, ये मेन वर्ब के तरह से कभी इस्तेमाल नहीं हो सकते। जैसे शी कैन रन फास्ट, तो रन यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, मॉडल इसके लिए क्या है, कैन है। यू शुड स्टडी इंग्लिश, तो यहाँ पर शुड क्या है, मॉडल है, स्टडी क्या है, मेन वर्ब है, तो शुड कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकता, कैन कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकता। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे यूज टू, नीड, डेयर मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये ऐसे मॉडल्स हैं जिनका यूज जो है मेन वर्ब जैसे नीड एंड डेयर और एडजेक्टिव यूज टू के तौर पर भी हो सकता है, तो ये आपको देख के रखना है। जैसे आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, तो यहाँ पर यूज टू जो है वो मॉडल नहीं है बल्कि क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या है, एम है। आई नीड यू, तो यहाँ मूविंग मेन वर्ब जो है नीड आ गया, यहाँ पर जो है नीड जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। यू नीड नॉट कम टुमारो, तो यहाँ पर जो है नीड जो है वो मेन वर्ब नहीं है बल्कि हेल्पिंग वर्ब है। शी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट, तो यहाँ पर डेयर क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। आई डेयर नॉट एंटर हिज रूम विदाउट परमिशन, तो एंटर वहाँ पर मेन है, डेयर क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। फिर है ऑक्सिलरी वर्ब्स के कुछ पॉइंट्स क्या हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब्स के रूप में नहीं होता है,
जो बताया भी गया, आई कैन लिफ्ट, तो कैन और शुड जो है यहाँ पर कभी भी मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं होते हैं। फिर पॉइंट क्या है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का V1, V2, V3, ING फॉर्म या SES फॉर्म नहीं होता है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। इसका प्रयोग सभी नंबर्स तथा पर्सन्स के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है। जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसका जो है कोई V1, V2, V3 फॉर्मेट, ING कुछ नहीं होता, कैन या शुड, वो कैन और शुड ही रहेंगे। फिर है ऑट तथा यूज्ड के साथ इन्फिनिटिव 2+V1 का यूज़ होता है। वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, तो वी ऑट रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स नहीं होगा। अगर सेंटेंस लिखा हुआ है वी ऑट रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, वो गलत हो जाएगा। ही यूज टू कम लेट, ही यूज कम लेट नहीं होगा। यहाँ पर 2+कम, 2+वर्ब लगाना ऑट के साथ और यूज्ड के साथ ज़रूरी है, ठीक है। यूज़ ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। कुड का यूज़ जो है पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वो उठा सकता है, बॉक्स को उठा सकता है। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सकता था, कल नहीं आ सका था या आ सकता था, दोनों तरह से। कैन का प्रयोग परमिशन देने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। परमिशन दे रहे हैं अगर आप, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। कैन का प्रयोग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी को अभिव्यक्ति करने के लिए भी किया जाता है। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है तो उसको एक्सप्रेस करना है। अगर एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, ये थ्योरी है कि हाँ हर कोई जो है, थ्योरी में हर कोई जो है गलती तो कर ही सकता है, तो वहाँ पर कैन इस्तेमाल होता है। कुड का यूज़ जो है रिमोट पॉसिबिलिटी, जहाँ पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है किसी चीज़ की, उसको इस्तेमाल करने के लिए भी, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे देर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। फिर कैन का यूज़ जो है दोस्ताना निवेदन, फ्रेंडली रिक्वेस्ट करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी किया जा सकता है। और कुड का जो है ऑफिशियल होगी, अगर फॉर्मल रिक्वेस्ट होगी, जैसे कैन आई टेक योर स्कूटर, आप अपने दोस्त से कहेंगे तो आप कहेंगे कैन आई टेक योर स्कूटर, लेकिन अगर आप किसी बॉस से कहेंगे या किसी कंपनी में अपने कलीग से या मतलब दूसरी कंपनी के किसी रिप्रेजेंटेटिव से कोई बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे, कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, कुड आई बोरो दिस फाइल, ठीक है। फिर है एबल टू का प्रयोग कैन कुड के साथ ना करें, क्योंकि दोनों क्षमता दिखाते हैं, कैपेसिटी दिखाते हैं। आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, तो ये सुपरफ्लूअस हो जाएगा। आपको या तो आप कहिए आई कैन नॉट कम टुमारो, या आप कहिए आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, एक चीज़ कहिए, कैन नॉट यूज़ करिए या एबल टू यूज़ करिए, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ को शो करते हैं। फिर है मे का प्रयोग जो है संभावना, अनिश्चितता, पॉसिबिलिटी को या अनिश्चितता को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। इट मे रेन टुनाइट, आज बारिश हो सकती है। मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज होता है। आप विलिंगनेस जब दिखाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है जिसको आप एक्सक्लेमेटरी साइन जो लगा हुआ है लॉन्ग के बाद उससे पता भी कर सकते हैं, तो वहाँ भी होता है। जब आप विलिंगनेस, आप एक इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि तुम जियो, इच्छा है कि तुम जियो हज़ारों साल टाइप। फिर है रूल थर्ड, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तथा सबॉर्डिनेट क्लॉज दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो तथा इससे पर्पस
उद्देश्य का बोध हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग होता है. वी ईट सो दैट वी मे लिव. हमने खाया, हम खाते हैं ताकि हम जी सकें. तो पर्पस दिखाया ताकि हम जी सकें, तो यहाँ पर भी मे का इस्तेमाल हो सकता है. माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जबकि मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी, ज़्यादा संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. तो माइट कम पॉसिबिलिटी के लिए और मे जो है ज़्यादा पॉसिबिलिटी के लिए. ही माइट पास द एग्जामिनेशन बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप. ठीक है, अगर संभावना बहुत अधिक हो तो मस्ट का प्रयोग, ग्रेटर पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट का प्रयोग. ही स्टेज इन फाइव स्टार्स होटल, फाइव स्टार्स तो नहीं होगा, ये हमने नाउन में भी पढ़ा था, सॉरी हाइफनेटेड है, तो फाइव स्टार होटल्स एंड ट्रेवल्स बाय फ्लाइट, ही मस्ट बी वेरी रिच. मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है. जब आप रिस्पेक्ट के साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वहाँ पर जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें जो है मे का इस्तेमाल हो सकता है. मे आई कम इन सर, बहुत यूज्ड टू, बहुत कॉमन वर्ड है ये, तो सॉरी बहुत कॉमन सेंटेंस है. मे एवं माइट के साथ पॉसिबली एवं लाइकली का प्रयोग ना करें, क्योंकि दोनों संभावना दर्शाते हैं. तो यहाँ फिर आपको सुपरफ्लुअस हो जाएगा. वी मे पॉसिबली कम टुमारो, लोग ये स्पोकन इंग्लिश में कहते हैं लोग, लेकिन ये गलत है. या तो ये कहेंगे वी मे कम टुमारो या वी विल पॉसिबली कम टुमारो. वी मे अगर आपने कह दिया तो पॉसिबली कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. फिर है शैल विल का पॉइंट क्या है. शैल विल में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये कुछ रूल्स पढ़ लीजिए और इसको प्रैक्टिस करिए, बार बार दोहराइए, ताकि कन्फ्यूज़न आपकी ना रहे. ठीक है, शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स आई वी के साथ फ्यूचर के किसी वाक्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. बाकी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग होता है. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स आई वी के साथ शैल आना चाहिए, बाकी सब के साथ विल आना चाहिए. ये रूल है. आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विद मी. तो ही के साथ क्या आना चाहिए, विल आना चाहिए. आई के साथ शैल आना चाहिए, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि अब स्वीकार्य है. लेकिन अभी भी जब इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा, जब क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन के फॉर्मेट में आएगा, तो उसके साथ आई और वी के साथ शैल ही आएगा. बाकी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ तो विल आना ही आना है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ठीक है, शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यू तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही शी इट दे के साथ कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन एवं एडवाइस, इन सब के लिए किया जाता है. इसीलिए यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन हो जाती है. इसी प्रकार के वाक्यों में विल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है. यहीं पर कन्फ्यूजन मतलब आती है. हमने एक रूल पढ़ा, ऊपर रूल वन पढ़ा. रूल वन में हमने पढ़ा कि आई और वी के साथ क्या आएगा, शैल आएगा, और ही शी के साथ, यू के साथ क्या आएगा, विल आएगा. लेकिन फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि मॉडर्न इंग्लिश में अब ये कन्फ्यूजन भी आ गई है. मॉडर्न इंग्लिश में अब ये भी एक्सेप्टेबल है कि आई वी के साथ हम विल का यूज़ कर लें. लेकिन फिर अब हमें ये पॉइंट पता चल रहा है कि अगर थ्रेट है, कमांड है, प्रॉमिस है, डिटर्मिनेशन है, कंपल्शन है, एडवाइस है, तो वहाँ पर क्या है, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ लगना तो क्या चाहिए, विल, लेकिन लगेगा क्या, शैल. और वहाँ पर आई के साथ लगेगा हर हाल में विल. जैसे यू शैल लीव द रूम एट वंस, तो यू के साथ विल नहीं आएगा, यू विल लीव द रूम एट वंस, वो तो एक सिंपल सेंटेंस हो जाता है. यहाँ कमांड दिखा नहीं है, तो यू शैल. प्रॉमिस के साथ यू शैल बी रिवॉर्डेड, और आई विल हेल्प यू कम वॉट में, मैं तुम्हारी मदद करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए. तो एक प्रॉमिस है, एक प्रतिज्ञा है, एक वादा है. थ्रेट, trespasser shall be prosecuted, I will punish you. तो थ्रेट देना जो है, I will, I shall punish you नहीं होगा.
फिर है आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, तो यहाँ डिटर्मिनेशन दिखाई है। फिर है यू शैल बी हेयर फॉर द मीटिंग, आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क। फिर है लेट्स से शुरू होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग्स में भी शैल का प्रयोग होता है, तो ये क्वेश्चन टैग में जब हम पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे, वैसे अभी भी पढ़ लीजिए कि लेटस के साथ क्वेश्चन टैग क्या आता है, शैल वी, लेटस डांस टुगेदर, शैल वी। शैल का प्रयोग सजेशंस, सुझावों को व्यक्त करने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ होता है, जैसे शैल वी टॉक टू दी मैनेजमेंट, तो सजेशन आप दे रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। शैल एवं विल का प्रयोग निम्नलिखित यानी कि अंडरलाइन वर्ड्स प्रकार के वाक्यों में नहीं होता है। अगर वाक्य पास्ट में शुरू हो, अगर वाक्य पास्ट में शुरू हो तो हम विल नहीं इस्तेमाल करेंगे। ही होप दैट ही विल पास द टेस्ट, तो वहाँ वुड ही चलेगा। अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो तो विल शैल नहीं, वुड या शुड का प्रयोग होगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। He hoped that he would pass the test. बिल्कुल नहीं, सॉरी he will तो नहीं होगा, would होगा। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि will अगर past से शुरू हो रहा है सेंटेंस तो would आएगा, will नहीं आएगा या should आएगा। दरअसल ये नियम तब भी लागू होते हैं जब will shall के स्थान पर कोई और मॉडल या वर्ब होता है। He said that he is coming, नहीं होता है, He said that he was coming। फिर है अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हों और दूसरे कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर करे, तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा कार्य सिंपल फ्यूचर टेंस में। हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की आदत होती है, जिसकी वजह से हम पहले कार्य को भी सिंपल फ्यूचर में प्रयोग कर लेते हैं। ये अगर आएगा, जैसे अगर मैं आऊंगी तो आपसे मिलूंगी, तो हम कह देते हैं इफ आई विल कम, हम ट्रांसलेट कर लेते हैं उसको सिंपली आई विल मीट यू, जबकि होना क्या चाहिए इफ आई कम। इंग्लिश का जो ग्रामर है वो ये कहता है कि दो अगर सेंटेंसेस हैं, दो चीज़ें हैं, दो कार्य हैं, जिसमें पहला कार्य अगर और वो दोनों फ्यूचर में होने और पहला कार्य जो है दूसरे कार्य पर, दूसरा कार्य जो है पहले कार्य पर निर्भर है, तो पहला कार्य जो है, पहला काम जो है वो सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट में होगा और दूसरा कार्य जो है सिंपल फ्यूचर में होगा। तो इफ आई कम आई विल मीट यू इज द करेक्ट थिंग, ठीक है। फिर है निम्नलिखित शब्दों को देखें, इनके तुरंत बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, जैसे इफ, तो आपने इफ का तो एग्जांपल देख ही लिया, इफ आई कम, If I will come कभी नहीं होगा। As soon as I come, वहां भी as soon as I will come नहीं होगा। In case I come, provided, unless, until, before, after, when, ये जो conditional sentence जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम ये डिटेल में भी पढ़ेंगे, अदरवाइज अभी आपको पढ़ने के लिए इतना है कि ये वर्ड्स ऐसे याद रखिए कि इनके साथ अगर स्टार्टिंग हो रही है सेंटेंस की तो उसमें कभी भी बोल्ड में इटैलिक में अपने दिमाग में रखिए कि वो सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं होगा बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। तो अभी इसी इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम वुड और दूसरे वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, शुड, ऑट टू, मस्ट, यूज टू, डेयर, नीड, कहाँ वो यूज़ होते हैं, कैसे वो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो फर्स्ट हो गई, नेक्स्ट वीडियोस में हम और चीज़ें और रूल्स पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, गुड बाय।